गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अगेन आई वेलकम यू ऑल इन SST क्लास। टुडे वी विल डिस्कस आवर चैप्टर नंबर 14, आवर नेशनल सैम्बल्स। सो ऑल ऑफ यू गेट रेडी फॉर दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न आवर नेशनल सैम्बल्स, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या हैं, एंड इन लर्निंग आउटकम्स वॉट इज़ नेशनल सैम्बल्स, नेशनल सैम्बल्स क्या हैं, एंड नेशनल सैम्बल्स ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं। स्टूडेंट इन जो आपको दिए हैं व्हाट आर दी सैम्बल्स सेइंग, तो आपको ये पता होगा डेंजर का साइन है, ये जो टर्न दिया है उस टर्न के लिए क्या है, मिस टर्न को डिनोट कर रहा है कि कौन सा टर्न है, ये आपको खुद बताना है मुझे। एंड ये नो हॉर्न का साइन है, मीन्स रिस्ट्रिक्टेड एरिया जहाँ पे हम हॉर्न नहीं बजा सकते। व्हाट इज नेशनल सैम्बल? नेशनल सैम्बल रिप्रेजेंट द कंट्री एंड जनरेट्स अ फीलिंग ऑफ यूनिटी। जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे राष्ट्र के प्रतीक होते हैं, और जो एक यूनिटी में संघ का प्रतीक होते हैं बेसिकली। इट गिव्स अ नेशन इट्स आइडेंटिटी। एवरी नेशन हैज़ इट्स ओन नेशनल सैम्बल्स, जो हमारे राष्ट्र की एक आइडेंटिटी या बोल सकते हैं कि एक पहचान चिन्ह बोल सकते हैं इन्हें। और प्रत्येक देश या फिर जो भी देश होते हैं, जितने भी देश होते हैं, जिन भी देश के क्या होते हैं अपने नेशनल सैम्बल्स होते हैं या फिर राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं। नेशनल सैम्बल्स ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय चिन्ह, भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनकी बात करेंगे। फर्स्ट इज नेशनल फ्लैग। आवर नेशनल फ्लैग इज ऑल्सो नोन एज तिरंगा, इट हैज़ ट्राई फ्लैग। हमारा राष्ट्रीय झंडा जो है उसको तिरंगा बोलते हैं, जो तीन रंगों से मिलकर बना है। द फ्लैग हैज़ टू बी क्वालिटी चेक एंड इफ देयर इज एनी डिफेक्ट द एंटायर लॉट इज रिजेक्टेड। एनी डिफेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फ्लैग इज कंसिडर्ड अ सीरियस ऑफेंस एंड द ऑफेंडर्स इज लेबल फॉर अ फाइन और इन पनिशमेंट। ओके, जो भी झंडे बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं या फिर जो मैन्युफैक्चर करते हैं झंडों को, फ्लैग्स को बेसिकली, तो वो जो अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट है तो उसको यूज़ नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या है, अगर ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कोई भी इस तरीके से फ्लैग में मैन्युफैक्चरिंग में कोई सीरियस ऑफेंस निकलता है तो उन पर फाइन या फिर बेसिकली फाइन चार्ज किया जा सकता है। देर आर सम रूल्स कैन बी रूल्ड विद रेस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग। फर्स्ट है, वी मस्ट स्टैंड एन अटेंशन पोजिशन ड्यूरिंग द होस्टिंग ऑफ अ लोअरिंग ऑफ अ फ्लैग। जब भी राष्ट्रगान हो या फिर झंडा फहराया जाए तो हमें क्या होना चाहिए, अटेंशन की पोजिशन में खड़े होना चाहिए। द फ्लैग मस्ट नॉट बी यूज फॉर डेकोरेशन, इट शुड नॉट बी ओ यूज एज अ पोर्शन ऑफ अ कस्टम और यूनिफॉर्म। बेसिकली जो फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसको क्या करना है, उसको डेकोरेशन के लिए यूज़ नहीं करना है। दूसरा क्या है, उसको कस्टम या यूनिफॉर्म के लिए भी हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, मीन्स उसे कपड़े की तरह हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, वी शुड नॉट बी एम्ब्रॉयडर्ड और एनी क्वेश्चन हैंकरचीफ और प्रिंटेड और नैपकिन और बॉक्स। मीन्स हमें इस तरीके से कढ़ाई या फिर कभी प्रिंट या फिर रुमाल पे या फिर नैपकिन पे या फिर किसी भी बॉक्स पे हमें उस तरीके का प्रिंट नहीं लेना है या फिर नहीं करवाना है। ओनली स्पेसिफाइड इंडियन डिग्निटाइज कैन हैव द फ्लैग अटॉप देयर कार्ड्स। कुछ डिग्निटीज़ हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक इंडियंस हैं या इंडियन डिग्निटाइज हैं जिनको, जो लोग जैसे कार के ऊपर या फिर आपने देखा होगा फ्लैग को साइड में लगा लेते हैं, बट हर किसी को इसकी परमिशन नहीं है। द नेशनल फ्लैग शुड नॉट बी टच द ग्राउंड और ओवर अ ट्रायल इन द वाटर। जब भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं या फिर कभी भी क्या है, उसे ज़मीन पे या फिर पानी में नहीं डिप करना है, फिर नहीं, पानी में टच नहीं होना चाहिए। द सैफ्रॉन बैंड शुड ऑलवेज बी ऑन द टॉप। जो सैफ्रॉन कलर है वो हमेशा टॉप पे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ड्रैपिंग द फ्लैग ऑन ट्रेन, बोट, एयरक्राफ्ट और एनी व्हीकल इज़ नॉट अलाउड। मीन्स कहीं पे भी लगाना अलाउ नहीं है। मैंने आपको भी बताया था कि हर कोई उसे नहीं लगाएगा, कुछ स्पेशल अटेंशन के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली। एंड द नेशनल फ्लैग कैन नॉट बी ट्रीटेड विथ डिसरेस्पेक्ट।
द सिग्निफिकेंस ऑफ द कलर एंड चरखा इज द नेशनल फ्लैग वॉज डिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ओके, सैफरन कलर, सैफरन डिनोटेड बाय द ब्रेव सैक्रीफाइस एंड दैट द लीडर मस्ट बी इंडिफरेंट टू मटेरियल गेन्स एंड वर्क विद डेडिकेशन फॉर देयर कंट्री. मीन सैफरन कलर जो ब्रेव, साहस और सहानुभूति या इन सब चीज़ों का प्रतीक है बेसिकली. और वाइट क्या स्टैंड करता है? ट्रूथ एंड गाइडेंस के लिए. एंड ग्रीन शोज द रिलेशनशिप और रिलेशन बिटवीन द सॉइल एंड द प्लांट्स लाइफ. अशोक चक्र सिग्निफाई धर्म और वर्चू, धर्म के लिए बेसिकली, धर्म धर्म को डिनोट करता है. फिर धर्म की स्थापना के लिए बेसिकली इसको डिनोट किया गया है. द पीपल हु वर अंडर दिस फ्लैग शुड नॉट बी देयर ड्यूटीज एंड सिंसियरिटी फॉर ट्रूथफुलनेस. द व्हील डिनोटेड मोशन एंड प्रोग्रेस फॉर द नेशन. जो अशोक, जो उसमें चक्र बना हुआ है बेसिकली, इसमें 24 स्पोक्स हैं जो डिनोट करती हैं प्रोग्रेस को, कि लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए. नेशनल एम्बलम, द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लॉयन कैपिटल ऑफ द सारनाथ नियर वाराणसी. और वाराणसी इन द उत्तर प्रदेश, जो लॉयन कैपिटल सारनाथ से लिया गया है, वाराणसी से. लॉयन कैपिटल वॉज इरेक्टेड बाय द एम्परर ऑफ द अशोका इन द थर्ड ऑफ सेंचुरी, मीन्स थर्ड सेंचुरी BC. फोर लाइन्स हैं बेसिकली इसमें. वन हिडन व्यू है जो बैक साइड में दिखता नहीं है. और जो करेज, पावर और कॉन्फिडेंस को डिनोट करते हैं. और जो लाइन्स हैं बेसिकली वो सर्कुलर अबैकस में होते हैं इस तरीके से. द लाइन ऑफ द नॉर्थ, नॉर्थ में लाइन, एलिफेंट ईस्ट में, हॉर्स साउथ में एंड बुल इन द वेस्ट. ये कुछ इतने जानवरों का इसमें डिनोशन है या फिर राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इनका प्रतीक इस नेशनल एम्बलम में दिया गया है. द अबैकस रेस्ट्स ऑन अ लोटस इन द फुल ब्लूम. द मोटो सत्यमेव जयते इज रिटन बिलो द व्हील. द व्हील और अशोका चक्र इज कर्व्ड बिटवीन द बुल एंड द हॉर्स. द अशोक चक्र हैज़ 24 स्पोक्स. इसमें 24 जो तीलियाँ होती हैं बेसिकली, एंड आर द रिप्रेजेंट ऑफ द बुद्धिस्ट धर्म चक्र ऑन द व्हील ऑफ द लॉ. द आयरन पिलर वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ द ऑफ इंडिया ऑन 26 January 1950. द डे इंडिया बिकम अ रिपब्लिक. The emblem is officially sealed on the President of India and the Central and State Government of the Indian Union. This national emblem commands utmost respect and loyalty. Next point is national anthem. जो हमारा राष्ट्रगान है वो, उसके बारे में देखेंगे. It was first sung at the Calcutta, now in Kolkata, session of the Indian National Congress on 27 December 1911 before independence. Means भारत के आज़ाद होने से पूर्व या फिर देश के आज़ाद होने से पहले, यानी कि 27 दिसंबर 1911 में राष्ट्रगान को गाया गया था. It was adopted as the national anthem on 24 January 1950. The national anthem should be respected whenever it's sung. We must stand in attention with our head looking straight ahead. Means जब भी ये राष्ट्रगान गाया जाता है तो हमें सीधे attention की position में, means सावधान की मुद्रा में खड़े होके सीधे देखना चाहिए. Talking or moving when the national anthem is being played or sung is showing disrespect to the country. Means बोलना या फिर चलना इधर उधर, ये क्या है? Disrespect को show करता है. नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? द मेजेस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. इट इज अ सिंबल ऑफ द रिच वाइल्ड लाइफ. द टाइगर इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, पावर, ग्रेस एंड एग्लिटी. बेसिकली स्ट्रेंथ, पावर, इन सबका क्या है?
सिंबल है इसलिए। द टाइगर हैज़ ग्रेट रेस्पेक्ट अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। द टाइगर्स आर नाउ इन द कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। में जो टाइगर है, चीता है, वो क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज में है, बिकॉज इसकी जो स्पीसीज है धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। दे आर बींग पोस्ट ऑन अ लार्ज स्केल। द गवर्नमेंट स्टार्ट प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। मीन्स गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 1973 में। अराउंड 23 टाइगर्स टाइगर रिजर्व, लगभग 23 टाइगर रिजर्व हैं। अपने नीरेस्ट की अगर बात करें तो नीरेस्ट में क्या है, हमारे दुधवा नेशनल पार्क है, फिर दुधवा टाइगर रिजर्व है। वेयर एस्टेब्लिश थ्रू आउट द कंट्री टू सेव देम, हाउएवर सैडली देयर पॉपुलेशन इज डिक्रीज एट एन अलार्मिंग रेट। मीन्स जो इनकी पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। नेशनल फ्लावर लोटस। लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। इट इज़ अ सिंबल ऑफ वेल्थ, फ्रूटफुलनेस, नॉलेज एंड लाइट। जो राष्ट्रीय प्रतीक फूल का है उसे कमल को लिया गया है। जो वेल्थ, फ्रूटफुलनेस और नॉलेज लाइट को डिनोट करते हैं। एंड द लोटस इज द यूनिक बिकॉज इवन थ्रू द इट इज ग्रो इन अ मडी एंड मर्की वाटर इट रिमेन्स प्योर एंड ब्यूटिफुल। मीन्स ये शो करता है, ये यूनिक है इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, मडी वाटर में या कीचड़ में उगता है। और दूसरा क्या है कि ये प्योर और ब्यूटीफुल, मीन्स दिखने में इसका जो लुक है दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। एंड इट हैज़ अ ब्रॉड लीव, जो चौड़ी पत्तियाँ इसकी क्या होती हैं, पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। एंड ब्राइट पेटल्स ग्रो ओनली इन शॉलो वाटर ऑफ पॉन्ड एंड लेक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आवर नेशनल फ्रूट। द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज मैंगो। मैंगो इज कल्टिवेटेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट द हिली रीजन। जो राष्ट्रीय फल आम है वो हर जगह पाया जाता है। अगर देखें तो क्या है, जहाँ पे हिली एरियाज हैं या फिर जहाँ पे पहाड़ी इलाका है वहाँ छोड़ के, देर आर हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ मैंगोज ऑफ डिफरेंट शेप साइज एंड कलर। लगभग 100 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ आम की पाई जाती हैं। इनका शेप साइज़ और कलर के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। मैंगोज आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन। सबसे ज़्यादा मैंगो में क्या होता है, विटामिन, रिच सोर्स ऑफ विटामिन बोले जाते हैं। एंड दे आर यूज टू मेक जूस, जैम, शेक्स एंड पिकल्स एंड मैनी अदर ईटेबल थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है, अपने टेस्ट भी किया होगा। नेक्स्ट है नेशनल बर्ड। द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मीन्स पीकॉक जो बर्ड है वो भी क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के एक्ट के अंदर अंडर है। दूसरा क्या है, पीकॉक बहुत ही ब्यूटीफुल है मोरनी के कंपैरिजन में, या मोर जो है वो ज़्यादा सुंदर होता है मोरनी के कंपैरिजन में। उसकी जो गर्दन होती है वो डीप इंडिगो यानी कि ब्लू कलर की होती है। एंड चेस्ट ब्रॉन्ज ग्रीन या कलर टेल होती है। दूसरा क्या है, पीकॉक सैम्बल है ब्यूटी, सुंदरता का, ग्रेस और एलिगेंस का। द फेमस पीकॉक थॉर्न ऑफ द शाहजहाँ इज द फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट इज अ ट्रिब्यूट ऑफ दिस ब्यूटिफुल बर्ड। आपका सेशन कंप्लीट हो गया है, बाकी मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके।